ऐसा क्यों है कि वर्ल्ड की 99% एयरक्राफ्ट मार्केट शेयर पर यूएस की कंपनी बोइंग और यूरोप की कंपनी एयरबस डोमिनेट करती है? यहाँ तक कि चाइना और रशिया जैसी कंट्रीज भी इन्हें आज तक टक्कर नहीं दे पाई है। और आज तक इंडिया भी खुद की एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट क्यों नहीं बना पाई है? एंड ऑन अ सीरियस नोट, क्या इंडिया इन फ्यूचर भी ये कर पाएगी? ये क्वेश्चन ज्यादा बढ़ने लगे जब टाटा ओन एयर इंडिया ने 470 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस किया कलेक्टिवली बोइंग और एयरबस को, जिस ऑर्डर की वैल्यू थी वूपिंग $80 बिलियन। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बाइडेन ने कहा कि इस ऑर्डर के कारण मिलियंस ऑफ जॉब क्रिएट होंगे यूएसए में, और दुख की बात यह है कि हमारे ऑर्डर के कारण इतने सारे जॉब यूएसए में क्रिएट हो रहे हैं, इंडिया में नहीं। क्या ऐसा होना पॉसिबल नहीं था? नो वरी, ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के स्टडी मटेरियल के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूएसए में करीब 5.5 लाख जॉब्स को केटर करती है एंड इट्स अ ह्यूज नंबर। अगर इंडिया भी इस फील्ड में आगे रहती तो ये हमारे जीडीपी को बहुत बड़ा बूस्ट दे सकता था, बट सच तो ये है कि ऐसा नहीं है। और इसके पीछे की सबसे पहली रीजन है द स्टार्ट। 1903 में राइट ब्रदर्स ने ही फर्स्ट एयरक्राफ्ट को इन्वेंट किया जो अमेरिकन थे, और उसके बाद 10-15 सालों तक वो फ्लायर को अपग्रेड करते रहे। बट एवरीथिंग चेंज व्हेन द वर्ल्ड वॉर वन स्टार्टेड। वर्ल्ड वॉर वन में मिलिट्री एयरक्राफ्ट की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही थी, और इस डिमांड को देखते हुए विलियम बोइंग ने एरो प्रोडक्ट्स कंपनी को स्टार्ट किया जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती थी। एज एक्सपेक्टेड, वर्ल्ड वॉर वन के बाद मिलिट्री एयरक्राफ्ट की डिमांड कम होती गई, और इसे कवर अप करने के लिए इस कंपनी ने पहली मोनोमेल एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया, जिससे वो गवर्नमेंट के लिए मेल सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। अब एरो प्रोडक्ट्स कंपनी को बोइंग कंपनी बना दिया गया। धीरे धीरे वो एयरक्राफ्ट को मॉडर्नाइज करते गए, और ऐसा इसलिए भी पॉसिबल हो रहा था क्योंकि बोइंग को फंडिंग मिल रही थी डायरेक्ट यूएस गवर्नमेंट से। आरएनडी पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स किए जा रहे थे, बट टिल दिस टाइम पैसेंजर एयरक्राफ्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इट वॉज 1933 व्हेन बोइंग एंटर्ड द पैसेंजर एयरक्राफ्ट सेगमेंट विद बोइंग 247, और 1957 में मार्केट में आई बोइंग की फर्स्ट जेट एयरक्राफ्ट बोइंग 707। सबसे जरूरी बात यह है कि 1970s तक बोइंग के सामने कोई मेजर कंपटीशन नहीं थी, पूरे दुनिया में यूएसए की एयरक्राफ्ट्स ही उड़ रही थी। और वैसे भी 1947 तक तो इंडिया ब्रिटिश रूल में थी, और इसके बाद भी इंडिया की हालत ऐसी नहीं थी कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम कर पाए। लेकिन क्यों? इसका रीजन है हाई रिस्क एंड हाई इन्वेस्टमेंट। फॉर रेफरेंस, बोइंग 787 जो एक वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है, उसके डेवलपमेंट में टोटल $32 बिलियन खर्च हुए थे। एयरबस A380 के डेवलपमेंट में भी $33 बिलियन खर्च हुए, और शॉकिंगली चाइना ने अपने रीसेंट प्रोजेक्ट कॉमैक C919 पर भी $72 बिलियन खर्च किया है। और फिर एक एयरक्राफ्ट को बनाने के प्रोसेस में बहुत सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिल्डिंग अ फैक्ट्री, मेकिंग अ प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट, टेस्टिंग द एयरक्राफ्ट और रिटायरिंग द एयरक्राफ्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बोइंग हर साल $2-5 बिलियन स्पेंड करती है, और एयरबस तो इनसे ज्यादा स्पेंड करती है। बोइंग की वन ऑफ द लार्जेस्ट फैक्ट्री एवरेट को बिल्ड करने की कॉस्ट थी $1 बिलियन, और बोइंग के पास इस तरह के 3 फैक्ट्रीज है। एयरक्राफ्ट के टेस्टिंग में भी ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट को अप्रूव करने के लिए उस मॉडल के 5 टेस्ट एयरक्राफ्ट को 2600 फ्लाइट आवर्स तक टेस्ट किया जाता है, जिसमें करीब 2-3 साल का वक्त भी लगता है। पर यहीं पर चीजें खत्म नहीं होती। अगर कुछ भी प्रॉब्लम रही है एयरक्राफ्ट में, तो उसे वापस से ठीक करके वापस से उसी टेस्टिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, जिसे ठीक करने के लिए बोइंग को स्पेंड करने पड़े थे $2 बिलियन। अब इतने पैसे सिर्फ एक कंपनी के पास होना बहुत मुश्किल है, इसलिए इन्हें डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है यूएस गवर्नमेंट का। बट व्हाट अबाउट एयरबस? एयरबस के पास इतने पैसे कहां से आए कि वो बोइंग जैसी फर्स्ट मूवर कंपनी से भी आगे निकल चुकी है? दरअसल 1960s में यूरोपियन नेशंस को खतरा दिख रहा था। पूरे एरोस्पेस इंडस्ट्री में अकेले अमेरिकन कंपनीज का कब्जा था, एंड इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक द मोनोपोली ऑफ बोइंग। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में हाई रिस्क एंड हाई इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्ड है, और उस टाइम पर यह प्रोजेक्ट किसी एक यूरोपियन कंट्री के बस की बात नहीं थी। इसलिए फ्रांस, जर्मनी, यूके, स्पेन और नीदरलैंड्स ने साथ मिलकर एयरबस को स्टार्ट किया। फ्रांस ने कॉकपिट और फ्यूसेलेज बनाया, यूके की कंपनी विंग्स और इंजन बना रही थी, जर्मनी इंटीरियर्स बनाने लगी, फ्लैप और स्पॉयलर्स नीदरलैंड्स में बन रहे थे, और टेल प्लेन स्पेन में बनने लगे, और एयरबस ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री को सेटअप किया फ्रांस में। इसके बाद से इन दोनों कंपनीज के बीच इमेंस राइवलरी है, और इन दोनों कंपनीज को इनके रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं।
बट ऐसा करना इलीगल है। दरअसल 1992 में ही EU और US ने खुद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें लिखा था कि दोनों ही नेशंस अपने एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स को एक्स्ट्रा सब्सिडीज प्रोवाइड नहीं करेंगे। लेकिन ये दोनों ही नेशंस खुद से ही रूल्स को तोड़ते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि इन कंपनीज के सामने पिछले 100 सालों में कोई कंपनी आई ही ना हो। कुछ कंपनीज आई थी जैसे मैकडॉनल्ड डगलस, जिसने बोइंग 247 के रेस्पॉन्स में DC-2 और DC-3 एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया था, बट 1997 में बोइंग ने इन्हें एक्वायर कर लिया। एक और कंपनी थी डी हैविलैंड, जिसने बोइंग के पहले ही जेट एयरक्राफ्ट -8 को लॉन्च कर दिया था, बट इन्हें भी 1986 में बोइंग ने एक्वायर कर लिया। कनाडा की कंपनी बोम्बार्डियर ने नैरो बॉडी सेगमेंट में सी सीरीज को लॉन्च किया था, जिसे एक्वायर कर लिया एयरबस ने। एक्विजिशंस भी बहुत बड़ी रीजन है बोइंग और एयरबस के डुओपोली के पीछे, और इसके पीछे भी वही रीजन है, पैसा। लेकिन अब तो इंडिया के पास पैसे है, $40-50 billion इंडिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिर क्यों इंडिया इस सेगमेंट को कैप्चर नहीं करती है, जबकि इंडिया के पास तो चीप लेबर भी है और साथ में इंडिया हर चीज को अफोर्डेबल भी बना सकती है। बेसिकली इसके पीछे भी कुछ रीजंस है, जिसमें सबसे पहली है टाइम। एक एयरक्राफ्ट बनाने का प्रोसेस कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत से लेंथी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सबसे पहली है R&D। अगर आपको एक एयरक्राफ्ट बनाना है तो आपको उसे स्क्रैच से डिजाइन करना होगा, क्योंकि आप किसी कंपनी की डिजाइन को कॉपी नहीं कर सकते हैं। साथ में उस एयरक्राफ्ट के हर एक एस्पेक्ट के डेवलपमेंट में इमेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है, जैसे एयरक्राफ्ट में रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट की एयर फ्रेम, फ्यूल सेज, कॉकपिट, इंटीरियर्स, एरोडायनामिक्स एक्सेट्रा, हर चीज को आपको खुद डेवलप करना होगा, जिसमें लगेंगे करीब 8-10 साल। फॉर इंस्टेंस, एयरबस A380 के डेवलपमेंट में लगे थे 10 साल से ज्यादा, जबकि ये उनकी पहली एयरक्राफ्ट नहीं थी, और चाइना को भी अपने नैरो बॉडी C919 के डेवलपमेंट में भी 10 साल से ज्यादा लगे हैं। बट यहीं पर कहानी खत्म होती नहीं है, इसके बाद भी एक एयरक्राफ्ट को गुजरना पड़ता है अल्ट्रा प्रो मैक्स टेस्टिंग प्रोसेस से, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ टेस्टिंग की जाती है, और इस टेस्ट में पास होने के बाद एक एयरक्राफ्ट को मिलता है टाइप सर्टिफिकेट, और इस सर्टिफिकेट के बाद ही एक एयरक्राफ्ट इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर फ्लाई कर सकती है। इस सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करती है US बेस्ड FAA और यूरोप बेस्ड EASA। और इंटरेस्टिंगली, न्यू एयरक्राफ्ट के टेस्टिंग प्रोसेस में करीब 5-9 साल लगते हैं। एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट और सर्टिफिकेशन पर मैं 2 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स अटैच कर रहा हूं, आप वहां डिटेल में बहुत कुछ समझ सकते हैं। ओवरऑल एक न्यू एयरक्राफ्ट कंपनी को एस्टैब्लिश करने में कम से कम 15-20 साल लगेंगे। इन्हीं सब कारणों से इंडिया आज तक इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाई है। लेकिन मान लीजिए हम ठान लेते हैं कि एक एयरक्राफ्ट कंपनी जरूर बनाएंगे, और वैसे भी टाइम और मनी वाले प्रॉब्लम को तो सॉल्व किया जा सकता है, तो क्या ये पॉसिबल होगा? अभी भी मुश्किल है, और रीजन है लैक ऑफ कस्टमर्स। इसे समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि अगर इंडिया एक एयरक्राफ्ट बना लेती है तो इंडिया के पोटेंशियल कस्टमर्स कौन होंगे। US की एयरलाइन कंपनीज इंडिया की कस्टमर नहीं होगी, क्योंकि उनके पास खुद की कंपनी है बोइंग। यूरोप की कंपनीज भी एयरबस के कारण एलिमिनेट हो जाती है, और ये दोनों रीजन्स मिलकर वर्ल्ड की 60% फ्लीट को कंट्रोल करते हैं, तो हमारे 60% कस्टमर्स तो खत्म हो गए। इसके बाद भी चाइना अपनी खुद की एयरक्राफ्ट कंपनी एस्टैब्लिश कर चुकी है, तो वो भी एलिमिनेटेड। अब ऐसा भी नहीं है कि इन सब के अलावा कोई कंपनी है ही नहीं। कनाडा की कंपनी है बोम्बार्डियर, ब्राजील की कंपनी है एम्ब्रायर, तो ये भी एलिमिनेट हो गए। बचे कौन? अफ्रीका, जहां डिमांड बहुत कम है, मिडिल ईस्ट, रेस्ट ऑफ द एशिया, रशिया, कुछ छोटे कंट्रीज और खुद इंडिया। बट अगर हम इन सब बचे हुए कंट्रीज को ही केटर करें तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं, जिसे रिकवर भी करना होता है, और इतने कम पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ इस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करना बहुत मुश्किल होगा। फॉर इंस्टेंस, एयरबस आज तक अपनी A380 प्रोग्राम के $33 billion को रिकवर नहीं कर पाई है। बट क्या इन सब का ये मतलब है कि इंडिया को अपनी एक एयरक्राफ्ट बनाने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली अगर इंडिया बोइंग और एयरबस से बेटर एयरक्राफ्ट को डेवलप कर लेती है तो इंडिया के लिए आसान हो जाएगा एक सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर को कैप्चर करना, और अगर बेटर नहीं तो कम से कम कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स तो बनाने होंगे ही, क्योंकि एक एयरलाइन कंपनी के लिए उनकी एयरक्राफ्ट बहुत जरूरी चीज है। सिर्फ एक गलती एयरलाइन कंपनी और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर दोनों को खत्म कर सकती है। लेकिन फिर भी सिविल एयरक्राफ्ट के अलावा और भी बहुत से सेगमेंट्स है जहां इंडिया इनिशियली एंटर कर सकती है, जैसे कार्गो, मिलिट्री और स्मॉल साइज एयरक्राफ्ट। फॉर्मर सिविल एविएशन मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने भी कहा था कि इंडिया को अगर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में एंटर करना है तो इंडिया को छोटे से स्टार्ट करना होगा, और इंडिया की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसकी शुरुआत कर दी थी डॉर्नियर 2 के साथ। कमेंट्स में बताइए, एयरबस और बोइंग के डुओपोली से क्या इंडिया और पूरे दुनिया को कोई खतरा है? क्या हमें इन पर डिपेंडेंट रहना चाहिए, या फिर इंडिया को भी अपनी एक एयरक्राफ्ट कंपनी एस्टैब्लिश करनी चाहिए? और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शिक्षा को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।